ड्यू टू दिस चैलेंजेज विच यू आर फेसिंग तो ये लिमिटेड समय के लिए तो आप जल्दी से इनरोल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन uh, जो है दैट हैज़ बिन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसका जो लिंक है और आप वहाँ पर जाके फॉर्म फिल कर सकते हो और uh, उसके अलावा वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर इज़ व्हाट्सएप जो कॉन्टैक्ट है दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड एंड यू कैन आस्क योर क्वारी और वट एवर डाउट यू हैव यू कैन आस्कोर देर यूज द कोड वी एम डी एन ए देन ओनली यू विल गेट द्यूज डिस्काउंट दैट इज ऑफ फोर्टी परसेंट चलिए नेक्स्ट दिस वीडियो इंडो चाइना रिलेशन हैज़ बीन इज ऑन वन अकेडमी यू कैन वॉच दिस बाई गोइंग टू दान वन अकेडमी और वहाँ पर जो प्ले लिस्ट हैं या वीडियोज़ हैं वहाँ पर आप जाके तो देख सकते हो uh, चलिए स्टार्ट uh, करते हैं इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ पोस्ट नेक्स्ट ईयर उत्तराखंड गेट्स अ न्यू चीफ मिनिस्टर इट्स थर्ड इन फोर मंथ्स और वहाँ पे नए जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए ये न्यूज़ आप और डिटेल के अंदर पढ़ सकते हो और इसके अलावा अगर हम देखें तो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर किस तरह एग्जीक्यूटिवस अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं किस तरह उनकी जैसे चीफ मिनिस्टर की इलेक्शन होती है कौन उन्हें अपॉइंट करता है अगर क्या एक ही रास्ता है या क्या एक ही जैसे इलेक्शन से ही वो आ सकते हैं या विदाउट इलेक्शन भी वो वो आ सकते हैं जैसे सिक्स मंथ्स का जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि सिक्स मंथ्स का टाइम होता है और बहुत और भी रास्ते हैं जिससे एक चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जो है इलेक्ट हो सकते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है उनको अपनी हाउस में हाउस के अंदर उनको अपनी जो कॉन्फिडेंस है वो उनको फ्लो टेस्ट के ज़रिए वो दिखाने का और ये आप नाम याद रख सकते हो पुष्कर पुश, सिंह धामी एंड बॉन इन पिथौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के अंदर है इन सितंबर 1975 पुष्कर सिंह धामी हैज बीन एसोसिएटेड विद द आरएसएस एंड इट्स एफिलिएट्स फॉर 33 इयर्स। रविशंकर प्रसाद फर्स्ट कंप्लाइंस रिपोर्ट बाय गूगल फेसबुक एज़ पर आईटी रूल्स बिग स्टेप टूअर्ड्स ट्रांसपेरेंसी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद यू की इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर हैं उन्होंने आ, कहा है उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि गूगल ने और फेसबुक ने ये जो बिग आ, टेक कंपनीज हैं इन्होंने अपना जो है फर्स्ट कंप्लाइंस रिपोर्ट है जो कि आईटी रूल्स के अंदर इनको बताया गया है ताकि आपको जो फर्स्ट एक कंप्लायंस रिपोर्ट है मंथली कम्पलायंस रिपोर्ट वो आपको बतानी है अगर आपके यूज़र जो हैं वो फाइव मिलियंस यानी कि पचास लाख से ज़्यादा हैं तो इन्होंने अपनी जो आ, फ, जो इन इनकी फर्स्ट कंप्लाइंस रिपोर्ट है गूगल और फेसबुक की इन्होंने बता दी है यानी कि कोई भी अगर कंप्लेंट करता है कोई भी रिपोर्टिंग uh, होती है वहाँ पे तो क्या uh, किस तरह से उसे टैकल किया गया है किस तरह से उसे हैंडल किया गया है किस तरह से सिचुएशंस को वहाँ पे हैंडल किया गया है वो कंप्लाइंस रिपोर्ट जो है इन्होंने देनी थी और आ, दे आई रूल्स के अकॉर्डिंग ही नए आईटी रूल्स के अकॉर्डिंग था और पहले तो फेसबुक जैसे कि लास्ट फेसबुक व्हाट्सएप लास्ट डे के ऊपर वहाँ पे जब ये आईटी रूल्स फ्रेम होने थे और डेडलाइंस दी गई थी इनको और तब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एपेक्स कोर्ट है उसके अंदर इन्होंने याचिका दर्ज की थी कि इट वाज अगेंस्ट प्राइवेसी ऑफ़ द पीपल बट गवर्नमेंट ने एक अपना अलग ही वहाँ पे स्टैंड बताया और अब फिलहाल इन्होंने अपनी जो कंप्लायंस रिपोर्ट है वो यहाँ पे इन्होंने दी है यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ऑन सैटरडे लॉडेड major uh, social media platforms like Google Facebook and Instagram for publishing their first compliance report on voluntary removal of offensive posts as per new IT rules terming it a big step towards transparency nice to see significant social media platforms like Google Facebook Instagram following the new IT rules first compliance report on voluntary removal of offensive posts published by them as per IT rules is a big step towards transparency the minister for uh, information technology communications law and justice tweeted on saturday Under the new IT rules, large digital platforms with more than 5 million users are required to publish periodic compliance reports every month, mentioning the details of complaints received and action taken thereon. क्या actions उन पे लिया गया जो भी complaints received हुई हैं? बाकी आप और detail के अंदर इसे पढ़ सकते हो। बाकी data यहाँ पे दिया हुआ है that is not uh, uh, quite important, लेकिन आप फिर भी uh, पढ़ सकते हो इस पे जैसे कि Instagram ने uh, या Facebook ने या गूगल uh, ने क्या क्या एक्शन लिए कितनी उनके पास जो रिपोर्ट्स आई और कितने उन्होंने किस तरह से उन्होंने एक्शन लिए जो भी स्पैम या कोई भी फेक न्यूज या इस तरह की चीजें होती हैं यहाँ पे देन है ई संजीवनी गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज फ्री टेली मेडिसिन सर्विस कंप्लीट सेवेंटी लैख कंसल्टे प्राइम मिनिस्टर कमेंडेड ई संजीवनी ऑन सिक्स एनिवर्सरी ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशियटिव Around 1.25 million patients benefited from the National Telemedicine Service in last 30 days with over 50,000 daily consultations in last two weeks. Union Health Ministry Uskijo uh, Telemedicine Service has crossed another milestone by completing 7 million consultations. Patients consult with doctors and specialists on a daily basis using the innovative digital media to seek health services. In another significant milestone, in June, it served around 12.5 lakh patients, which is the highest since the services were launched last year in March. Currently, the National tele, uh, Telemedicine Service is operational in 31 states and union territories. Uh, e Sanjeevani ABHWC, the Doctor to Doctor telemedicine platform, has been implemented at around 21,000 health and wellness centers as spokes and over 1,900 hubs. Uh, which are located in district hospitals and medical colleges in around 30 states. The Doctor to Doctor Telemedicine platform has served over 32 lakh patients. The Ministry of Defense too has hosted a national OPD or an R. E Sanjivani OPD, where over 100 vet veteran doctors and specialists roped in by Ministry of Defence serve uh, patients across the country. और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी इसमें रोल है यहाँ पे आप देख सकते हो इन इन अप्रैल लास्ट ईयर सून आफ्टर आफ्टर द फर्स्ट नेशनल लॉकडाउन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च ई संजीवनी ओ पी डी ओइंग टू द रेंजिंग पेंडेमिक ई संजीवनी ओ इज़ अ पेशेंट टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन अगर ये आप यहाँ पे बात करो ई संजीवनी ए बी एच डब्ल्यू सी तो ये डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है अगर आप बात करो ई संजीवनी ओ पी डी इज़ अ पेशेंट टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म एंड प्रोविजंस हेल्थ सर्विसेज टू पब्लिक इन द Confines of their homes. 420 online OPDs are hosted on an e-sanjivani OPD, and the platform hosts specialty and super specialty OPDs, as well as many of these specialty and super specialty OPDs are being managed by premium hospitals like AIMS in five states: HP, uh, HP Punjab, Telangana, then West Bengal, then UK, uh, King George Medical University in Lucknow, etc. From past two weeks, uh, over 50,000 patients. अगर दो पिछले दो हफ्तों की बात करें तो पचास हज़ार पेशेंट्स ने ये जो ई संजीवनी की सर्विसेज हैं ये उन्होंने ली हैं अराउंड टू थाउजेंड डॉक्टर्स प्रैक्टिस टेली मेडिसिन ऑन डेली बेसिस देन ये डेटा है किस स्टेट ने जैसे कि आंध्र प्रदेश के जो टोटल यहाँ पे कंसल्टेशन से दैट आर अराउंड सिक्सटीन लैख थर्टी टू थाउजेंड सबसे जो ज़्यादा हैं एंड कम बात करें तो थर्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड टू पंजाब के हैं देन मेन जो है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु कर्नाटका ये आप देख सकते हो देन गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बिहार केरला उत्तराखंड असम हिमाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ हरियाणा ये डेटा आप जो है फर्स्ट टू टू थ्री स्टेट्स जो है आप याद रख सकते हो और लास्ट टू थ्री आप याद रख सकते हो देन जापान एट लीस्ट नाइनटीन मिसिंग एज पार फुल मड स्लाइड हिट्स टोक्यो टोक्यो जो कि कैपिटल है जापान की और आपको पता है कि टोक्यो के रिलेटेड एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि टोक्यो के अंदर अभी जो है ओलंपिक्स जो पिछले साल होने थे 2020 जो कि फाइव इयर्स बाद होते हैं और वो ओलंपिक्स अभी 2021 के अंदर होने हैं और कमिंग डेज के अंदर वो स्टार्ट होने और टोक्यो जो है दैट इज़ थ्री आइलैंड्स जैसे हैं यहाँ पे होकाइडो हॉन्चू और क्यूशू और जापान के जो सेकंड हैं होन्चू uh, जो आइलैंड है उसके ऊपर इसकी जो कैपिटल है दैट इज़ जोग्राफिकली भी आपको इसकी लोकेशन जो है पता होना चाहिए और लास्ट में हम इसके बारे में एक जो हमारा रिंग ऑफ फायर के अंदर हमारा एक छोटा सा मैप जो हमने कल भी डिस्कस किया था तो उसके बारे में दोबारा से हम डिस्कस करेंगे और वहाँ पे एटलीस्ट नाइन्टीन पीपल आर मिसिंग एज पावरफुल मर्ड स्लाइड जो है उसने हिट किया है टोक्यो को डजन्स ऑफ होम्स हैव बीन बरीड इन अटैमी अ टाउन होम फॉर हॉट स्प्रिंग्स सीजू को परफेक्चर स्पोक्समैन तकाची तो पे आप इसकी लोकेशन देख सकते हो जापान के अंदर एटलीस्ट नाइनटीन आर मिसिंग एज पावरफुल स्लाइड हिट्स टोक्यो नेक्स्ट है इन दिस फोटो आप देख सकते हो एंड प्रोवाइडेड बाय सुयू वत वतनाबे रोड इज़ कवर्ड बाय एंड फॉलोइंग हैवी रेन इन एटमी सिटी एटमी सिटी जो है सिजोको परफेक्चर सैटरडे जुलाई थ्री की ये है फोटोग्राफ यहाँ पे ली हुई है ये मर्ड स्लाइड आप देख सकते हो किस तरह से रोड को इसने कवर किया है अब पावरफुल मर्ड स्लाइड कैरिंग अ डेल्यूग ऑफ Uh, black waters and debris crashed into the houses in the town west of Tokyo following heavy rains on Saturday, leaving at least 19 people missing, officials said. Dozens of homes were buried. Then public broadcaster NHK give the number of missing people at 20, but uh, Sugiyama said the prefecture confirmed at least 19. The torrential rainfalls have slammed parts of Japan starting earlier this week. Experts said dirt have been loosened, increasing landslide risks in a country filled with valleys and mountains. Uh, Sugiyama said it has been had been raining hard in the area all morning. Self-defense forces will join uh, firefighters and police in the rescue operation, he added. Evacuation warnings were issued for a widespread area then a landslide appeared to have struck multiple times. bhotbar uh, struck hua after a fa about as fast as car. footage showed a powerful uh, black mudslide uh, slide down a mountainside, uh, knocking down and crushing houses and sweeping away car cars in its way. helpless neighbors watched in horror some recording on their phones. uh, NHK TV footage showed फुटेज शोड पार्ट ऑफ अ ब्रिज हैड कोलेप्सड तो जो आप uh, देख सकते हो इफ़ uh, want. वॉन्ट अतामी इज अ quaint सी uh, seaside resort. मेरे ख्याल से इसके बारे में आपको ज़्यादा यहाँ पे रिसर्च करने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको uh, just इसके अंदर आपको uh, just one minute guys. यस हाँ दिस इज़ द मैप तो इसकी आपको बेसिकली जोग्राफिकली पहले तो आपको जैसे ताल वोल करने को बारे में हमने कल डिस्कस डिस्कस किया था ये जो फिलिप फिलिपिन प्लेट है और फिलिप फिलिपींस के अंदर इसकी जो कंट्री है मनीला और उसके अंदर जो ताल वोल्केनो कैनो है उसको उसका जो जब खतरा लगा जो कि एक एक्टिव वोल्केनो है तो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल को टेन थाउजेंड्स ऑफ पीपल को वहाँ से इवेकुएट किया गया और फिलीपींस गवर्नमेंट के द्वारा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो जापान की यहाँ पे लोकेशन है और सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जापान जो है वो एक आइलैंड है आइलैंड कंट्री और किस तरह से ये फॉर्मेशन के अंदर आया जैसे आपको पता है हमने कल भी डिस्कस किया था कि एक जो प्लेट होती है एक दो ओशनिक प्लेट्स एक हैवी प्लेट जब समर्च करती है सबडक्ट करती है दूसरी प्लेट के नीचे जो कि कम डेंस होती है या कम हैवी होती है उसके नीचे जब सबर्च या सबडक्ट कर जाती है तो वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है अगर हम बात करें तो ऊपर स्पोर्स की यहाँ पे वाटर है और उसके बाद जब ये प्लेट जो है इसके नीचे पूरी समर्च कर जाएगी और यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से और यहाँ से जो मोल्टन जो लावा है वो बाहर आता है और यहाँ पे सबसे पहले तो अंडर वाटर जो ग्योट्स एट्सट्रा हम जिसे बोल सकते हैं सी माउंट्स बनते हैं ग्योट्स बनते हैं दैन उसके बाद अगर हम बात करें अगर ज़्यादा इरपशनस हो रही हैं तो ये चीज़ें जो है बाहर आती हैं और देन आ, आ, ये जो आइलैंड्स जो हैं वहाँ पे फॉर्मेशन उनकी होती है तो इस तरह से जापान की और बेसिकली ये जितने आ, सारे जैसे इंडोनेशिया ये सारे आइलैंड्स हैं तो इस तरह से ही ये बने हैं बेसिकली ओशन आ, ओशन जो कन्वर्जेंस है उससे ये बने हैं एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो जापान के अंदर जैसे अभी मर्ड स्लाइड्स के कारण बताए गए हैं या वॉलैनो की अगर हम बात करें आर्थक्स की बात करें तो ये हमने प्लेट आ, जो किस तरह से कौन कौन सी प्लेट्स जो हैं इसके अंदर जैसे कि ओशन 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 प्लेट की जो कन्वर्जेंस होती है उसके बाद अगर हम जैसे रिंग ऑफ फायर की बात करें वॉलो की बारे में तो टाइप्स अगर इसके हम देखें सबसे पहले और टाइप्स के अंदर वन मिनट या टाइप्स की अगर हम बात करें सबसे पहले तो टाइप्स के अंदर अगर हम देखें तो मॉट्स ऑफ इरप्शन के बिहाफ पे आ, सेंट्रली इरप्टेड रहता है और फिजर इरप्शन रहता है आ, सेंट्रली इरप्टेड जैसे कि ये माउंटेन है और यहाँ पे एक वेंट होगा और यहाँ से आ, ये इरप्शन जो है स्टार्ट होगी और बेसिकली ये ज़्यादातर जो देखा जाता है मोस्ट ऑफ़ द केसेस के अंदर ये एसिडिक लावा होता है जो कि आ, कम विस्कस होता है और कम ये आ, कम ये फैलता है सॉरी uh, ज़्यादा विस्कस होता है जिसकी वजह से इसका जो फ़्लो है वो काफ़ी कम होता है और एक कॉनिकल शेप ये धारण कर लेता है जैसे सिंडर कोन इट्स एसेट्रा uh, जै वॉलकैनिक कौन आप बोल सकते हो अगर मिड ओशनिक रेंज की जैसे बात करें या इन बिटवीन द ओशनस या प्लेटिस जैसे कि की फॉर्मेशन होती है तो वो मोस्ट ऑफ द केसेज के अंदर डाइवर्जेंस की वजह से होती है और वहाँ से जो है uh, जो फिजर के ज़रिए जो है लावा जो है दैट कम्स आउटसाइड और वहाँ पर बेसिक लावा होने की वजह से उसका जो विस्कॉसिटी है दैट इज क्वाइट लेस और उसका जो फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है अगर पीरियोडिसिटी के हिसाब से बात करें तो एक्टिव वोल कैनो होते हैं डॉर्मेंट होते हैं एक्सटेंट होते हैं जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे एंड जो ताल वॉल कैनो फिलिप फिलिपाइंस के अंदर जो हमने कल डिस्कस किया था दैट इज एक्टिव वोल कैनो और अगर हम uh, इसकी आई थिंक दैट पिक्चर आई हैज़ अटैच्ड इन इट वो यहाँ पर नहीं है प्लीज वेट मिनट या आई फो गोट आई थिंक आई हैव अटैच्ड तो वो यहाँ पे नहीं मिल रही uh, पिक्चर जो है और वोल्केनो हमने कल भी डिस्कस किया था जैसे कि एक uh, क्रेटर होता है और जब कई बार एक्सप्लोजिव uh, uh, कई बार वेंट के अंदर जो है uh, जो लावा है या जो मैग्मा रहता है वो कई बार फिल हो जाता है वेंट के अंदर पाइप के अंदर या जिसे हम प्लग बोलते हैं कई बार प्लग की फॉर्मेशन होती है तो वो जो चीज़ है यहाँ पे कई बार ज़्यादा एक्सप्लोशन होने की वजह से और जो उसका माउथ है वो वाइड हो जाता है और क्रेटर से वो कैलडेरा बन जाता है और क्रेटर लेक जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए देन तो वेरियस टर्म्स जो रिलेटेड हैं इसके साथ जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले वेंट जो कि उसका माउथ जो इसकी पाइप पाइप की तरह होता है देन अगर हम बात करें तो यहाँ पे माउथ के अलावा माउथ जैसे कि क्रेटर कैलडेरा के, के बारे में हमने डिस्कस किया देन वोल कैनिक कॉन देन टेफ्रास जो होते हैं फ्रेगमेंटड रॉक्स जो आपने आ, या आपने पढ़ा होगा उनके बारे में कि फ्रेगमेंटेड जो रॉक रहते हैं एंड जो पार्टिकल्स इजेक्ट होते हैं ड्यूरिंग द वॉलिक अरप्शन दैन लहर जो होता है कि कई बार जो डब्रिस फ्लो करता है और कई बार वो वाटर के साथ सेचूरेट हो जाता है साथ में अगर कोई रिवर है या इस तरह से कोई स्ट्रीम है वहाँ पे या रेन वाटर के साथ कई बार मिक्स हो के वहाँ पर तो वो लहर जो है वो पानी के साथ सेचूरेट होती है और जिस साइड को वो जाती है वहाँ फिर आ, डैमेज ही होता है उसकी वजह से और उसे पायरोक्लास्टिक फ़्लो भी बोलते हैं पायरोक्लास्टिक फ्लो देन सिंडर के बारे में जैसे कि अगर वाटर वेपर्स या डस्ट पार्टिकल्स ही वहाँ पे लावा की क्वांटिटी बहुत कम है या नेग्लिजिबल है यहाँ वहाँ पे आ, और तब जो है उसे उस कौन को सेंटर कौन कहते हैं दैन वॉलकैनिक प्लग जैसे है कि अगर वो वेंट जो है लावा उसमें फिल हो जाता है दैट इज़ द वालकैनिक पाइप देन अगर हम बात करें तो लावा जो है दो टाइप्स का होता है लावा जो है एसिडिक होता है बेसिक होता है एंड uh, लावा जो है दैट इज एसिडिक एंड बेसिक अगर हम वॉलकैनिक लैंडफॉर्म्स की बात करें तो वो इंट्रीजिव और एक्सट्रीजिव लैंडफॉम्स होती हैं और यहाँ पर अगर uh, बात करें तो हॉट स्प्रिंग्स का जिक्र भी यहाँ पे आया है हॉट स्प्रिंग बेसिकली क्या रहते हैं अगर हम जैसे कि फ्यूमरोल्स रहते हैं कई बार धुंदे जिसे बोला जाता है दुआरे जिसे बोला जाता है कि स्टीम जो है अर्थ के अंदर से वहाँ पे कई बार एक स्मोक ही निकलती है बस और कई बार क्या होता है कि गीजर्स जो होते हैं जैसे ओल्ड फेथ गीजर है यूएसए के अंदर आपको पता होगा उसके बारे में वो दैट इज़ क्वाइट फेमस और ओल्ड फेज जो गीज़र है uh, कहते हैं कि वो टाइमली uh, uh, एक कंटिन्यूसली uh, एडप्ट करता रहता है वहाँ पे और उसके अंदर क्या होती हैं कि स्टीम जो है वो निकलती है वहाँ पे लेकिन अगर हम हॉट स्प्रिंग्स की बात करें तो उसके अंदर जैसे कि अंडरग्राउंड वहाँ पे कोई इस तरह की स्पेस नहीं होती कि जहाँ यहाँ पे वो पहले इकट्ठा होता है उसके बाद क्योंकि uh, ये ये चीज़ होती है uh, ये चीज़ uh, उसके uh, जैसे गीजर्स के अंदर देखी जाती है लेकिन हॉट स्प्रिंग्स के अंदर सिर्फ हॉट वाटर ही वहाँ पे सरफेस के ऊपर देखा जाता है उसके बाद काफ़ी सारे रॉक्स रहते हैं इसके बिहाफ पे जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए बेसिकली हमारी जो इनवा अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की तो किस तरह से हमें रिलेट करना आता आंदे किस तरह से वो रिलेटेड है जो लावा दैट कम्स सबसे पहले मैगमा जो है मैगमा चैम्बर से आ, जो लावा बाहर आता है देन अग्नियस रॉक्स दैन वेरियस रॉक्स की फॉर्मेशन होती है दैन सॉयल्स की फॉर्मेशन होती है जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो डिफरेंट रीजन्स के अंदर अगर थीमेटिक मैप्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के अंदर जैसे हमें पता है कि अलग अलग तरह की सॉइल्स रहती हैं जो कि अलग अलग क्रॉप्स के लिए सूटेबल सूटेबल होती हैं और जो कि हमारे एग्रीकल्चर को काफ़ी इम्पेक्ट करती हैं देन ये पार्ट जो है फाइव uh, और पार्ट्स सिक्स uh, जो है ये आप देख सकते हो ये ऑलरेडी पार्ट सिक्स सॉरी आज सेवन पी इन द इवनिंग आज ही uh, प्रीमियर होगा और पार्ट जो फिफ्थ है वो ऑलरेडी प्रीमियर हो चुका है आप इस इसे भी देख सकते हो और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो और विद योर फ्रेंड्स एंड इसके आ, हम बेसिकली यहाँ पे ज़्यादातर जैसे कि अभी प्रीलिम्स नज़दीक है तो ज़्यादातर रिवीजन पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं ताकि बहुत सारे टॉपिक्स जो हमने ऑलरेडी कवर किए हैं उसके रिलेटेड हम यहाँ पे जो है आ, ज़्यादा रिविजन पैटर्न को फॉलो करें ताकि हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे प्रिलिम्स है तो हम ज़्यादा जो है कवर कर पाएँ ये ऑलरेडी हमने न्यूज न्यूज़ जो डिस्कस किए हैं जैसे कि ये इंफॉर्मेशन uh, टेक्नोलॉजी को लेकर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को लेकर देन एक फैक्ट uh, न्यूज़ है ये चीफ मिनिस्टर को लेकर और किस तरह से आप इसे स्टेट लेजिस्लेचर के साथ जोड़ के यहाँ पे पढ़ सकते हो जी एस टू के अंदर Uh, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स रहती हैं एट द वेरियस पोस्ट वो जो सिलेबस का पोर्शन है दैन टेक्निकल न्यूज़ जो ई संजीवनी के रिलेटेड हमने पढ़ा यहाँ पे और जापान के अंदर टोक्यो के अंदर जो मर्ड स्लाइड से हीट हुआ उसके बारे में पढ़ा और नाइनटीन पीपल आर मिसिंग यहाँ पे आप देख सकते हो हॉट स्प्रिंग्स का जिक्र आया इसीलिए हमने डिस्कस किया था यहाँ पे डजनस ऑफ होम मे हैव बीन बर्ड इन अटामी अ टाउन नॉन फॉर द हॉट स्प्रिंग्स सीजोको परफेक्चर स्पोक्समैन तका मिची सुगियामा हॉट स्प्रिंग्स का जिक्र आया इसलिए हमने ये आ, डिस्कस किया है डिटेल के अंदर किस तरह से उनके टाइप्स रहती हैं टर्म्स रहती हैं या लावा के टाइप्स रहते हैं या लावा के जो वेरियस लैंडफॉर्म्स हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड बिफोर ये जो अनाउंसमेंट हमने किया था पर्सनल मैंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम है ये आप इसमें इनरॉल कर सकते हो एट बाई यूजिंग द कोड वी एम डी एन एंड आफ्टर दैट यू विल गेट अवज डिस्काउंट ऑफ फोर्टी परसेंट जो कि टेन थाउजेंड का प्राइस जस्ट आपको uh, सिक्स थाउजेंड ही पे करना होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन हैव अ नाइस डे